धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूंजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 14 और 15 वचन में लिखा हुआ है। आंख खोलकर इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। सुने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य वह है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। इसलिए समय कम है, दिन बुरे हैं, भी बचा सकते हैं तो बचा लो अपने आप को यीशु मसीह के कहर से। मेरे प्रियो, मैं हर वीडियो में यही बताते चला आ रहा हूँ। अभी वक्त है, अभी समय है मेरे प्रियजनों, अभी टाइम है, अभी मन फिरा लीजिए और बचा लो अपने आप को यीशु मसीह के कहर से। मेरे प्रियजनों, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 12 वचन से 17 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने तो बोले यूहन्ना, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखी है दर्शन के द्वारा। एक बड़ा भूंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नई काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू सा लाल हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसा बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा मानो पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हरेक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हरेक दास और हरेक स्वतंत्र पहाड़ की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और क्या कहने लगेंगे उस समय, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने के क्रोध से, यीशु मसीह के कहर से, परमेश्वर के कहर से मुझे बचा लो, मुझे छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन अब आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। ऐसा भारी क्लेश काल आने वाला अंतिम दिनों में, जब छठवीं मोहर खोली जाएगी तो बड़ा भूकंप होगा। जो सूर्य देख रहे हो ये सूर्य काला हो जाएगा, और चंद्रमा जो चमकता है ये चंद्रमा लाल हो जाएगा, लहू सा लाल हो जाएगा, और आकाश के तारे गिर पड़ेंगे, इस धरती पर गिरने लगेंगे उस समय। और उस समय अंतिम दिनों में मसीह विरोधी के दिन में क्या होगा, जब रेप्चर हो जाएगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जितने लोग यहाँ पर रह जाएंगे, जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अधिक से अधिक पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, बड़े लोग हैं, परम प्रधान लोग हैं, सामर्थ्य लोग हैं, धनवान लोग हैं, बाइबल बताती है, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए उस समय जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के गड्ढों में, पहाड़ों की दरारों में, उन छेदों में जाकर छिपेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर की जलजलाहट मदिरा उस समय भड़केगी, उस समय अन्य जातियों के ऊपर। इसलिए अभी समय है, अभी टाइम है, अभी बचा सकते हो तो बचा लो, मन फिरा लो। यीशु मसीह की अंतिम चेतावनी है मेरे प्रियजनों। बाइबल साफ बताती है, जब धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अनंत राज्य पाएंगे, जब तब अधर्मी दुष्ट लोग अनंत विनाश का दंड भोगेंगे, जो हमेशा हमेशा के लिए आग है, जो कभी न बुझने वाली आग है मेरे प्रियजनों। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 10 से 15 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। वीडियो आंख खोलकर देख लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी मेरे प्रियजनों। और उनका भरमाने वाला शैतान और आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उनको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये कौन देख रहा? यूहन्ना देख रहा दर्शन के द्वारा, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखी है दर्शन के द्वारा। ये सब होगा और होने वाला है, ये सब होगा।
और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उनको मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। बाइबल साफ बताती है आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होगा तो न्याय करके परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए दूसरी मृत्यु में डाला जाएगा। जो आग और गंधक से जलती रहती है यह तो दूसरी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है। इसलिए हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होना बेहद ही जरूरी है। अरे बंद करो खिलवाड़, कब तक पाप करते रहोगे, कब तक लड़कियों को पटाते रहोगे, कब तक गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे, कब तक धक्का मुक्की करते रहोगे, कब तक मेरे प्रियजनों, कब तक? याद रखना आप सोचते हो मैं पाप भी करूंगा और मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा तो नो, आप गलत हो। परमेश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो तुम पाप भी करोगे और परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग भी दे देगा। जब परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को नहीं छोड़ा तो तुमको कैसे छोड़ेगा? समय कम है, लौट आओ, अपने प्राणों को बचा लो, अंत निकट है, यीशु आने वाले हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।